नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बात करेंगे यूपी इलेक्शन की। यूपी विधानसभा चुनाव के रण में बीजेपी ने बाजी मारी है। फिलहाल इस जीत से बीजेपी खेमे का जोश हाई है। योगी सरकार 2.0 के गठन की तैयारी भी की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि रंगों की होली के बाद में योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि यूपी के सियासी अखाड़े में जीत का परचम लहराने के लिए सभी पार्टियों ने, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो, सभी ने आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट दिल खोल कर दिया है। तो जनता ने भी अपार प्यार के साथ में उनको विधानसभा तक पहुंचाने में भी परहेज नहीं किया। यूपी में नवनिर्वाचित विधायकों में से आधे से ज्यादा विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट बता रही है। नवनिर्वाचित विधायकों में से 205 यानी कि करीब 51% पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं और 2017 के मुकाबले 15% से ज्यादा विधायक दागी हैं और 11% से ज्यादा करोड़पति विधानसभा में पहुंचे हैं। अगर बात प्रमुख पार्टियों की जाए तो सबसे ज्यादा दागी सपा के टिकट पर चुनाव लड़े। बीजेपी अधिक करोड़पतियों को सदन पहुंचाने में आगे रही। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। संजय सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ में, मुख्य संयोजक है ADR से। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। संजय जी, जब से ये रिपोर्ट सामने आई है ADR की, तमाम जो सवाल है वो राजनीतिक पार्टियों पर उठने शुरू हो चुके हैं, चाहे फिर हम आपराधिक मामलों को लेकर बात कर लें या फिर करोड़पति नेताओं को देकर बात की जाए कि उनको टिकट देकर चुनाव लड़ाया जा रहा है। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता जागरूक होने के बावजूद भी ऐसे नेताओं को टिकट देकर विधानसभा तक पहुंचाती है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल फिर जनता पर भी उठने लाजमी हो जाते हैं। आप किस तरह से देखते हैं इसको? निश्चित तौर से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है उसे और जनता से भी। ADR की तरफ से मैं अगर आपको बताऊं कि इलेक्शन के कैंपेन के दौरान हम लोग जिस संजीदगी के साथ घूम रहे थे पूरे प्रदेश में, रिपोर्ट का विश्लेषण कर रहे थे, जनता, निश्चित तौर से जनता दोषी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से राजनीतिक दलों ने चुनाव जीतने के लिए धनबली और बाहुबलियों पर दाव लगाना शुरू किया है और उनकी पहली प्राथमिकता ये है, क्योंकि पैसा भी उन्हीं के पास भी है, पावर भी उन्हीं के पास है, यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में निर्वाचित होकर आए माननीयों में से 50% से अधिक दागी छवि के लोग हैं। आज जनता के सामने जो चुनाव जीतने की स्थिति है, चुनाव को जिस तरह से नैरेटिव सेट कर दिया गया चुनाव का, और उस सेट में यह है कि धनबली बाहुबली और जो पावरफुल लोग हैं वही चुनाव जीतेंगे, आज कहीं पे गरीब और असहाय और कमजोर लोगों की हालत तो बहुत ही खराब है, कुछ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस हो सकते हैं। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि जहां तक अब राजनीति में, मैं तो पिछले 20 साल के इलेक्शंस के विश्लेषण के आधार पर यह कह सकता हूं कि अब राजनीति में इसी तरह के लोगों का बोलबाला बढ़ रहा है। शायद जनता भी कहीं ना कहीं अपनी मौन स्वीकृति पूरे से, एक जिसको कहा जाए कि ये जो धारणा है कि धनबली और बाहुबली, उसको अपनी स्वीकारोक्ति प्रदान कर रही है। लेकिन संजय जी, जब भी हम लोग राजनीतिक प्रवक्ताओं से इस तरह के सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि छोटे मोटे आपराधिक मामले दर्ज हैं, किसी पर भी कोई ऐसा बड़ा मुकदमा दर्ज नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिएगा, ये तो मतलब कहेंगे कि बेशर्मी की इंतहा है। हाँ। कोई भी कुछ भी कह सकता है, मतलब इसमें कहने में कोई वो नहीं है। आप अगर हमारी कल की रिपोर्ट देख रहे होंगे, कल हमने जो उत्तर प्रदेश में लोग चुनाव जीत के आए उनके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें साफ तौर से ऐसे भी अपराधी हैं कि जिनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर और हत्या, लूट, और यहाँ तक कि एक ऐसे लोग भी जीत के आए हैं कि जो 376 जैसे संगीन अपराध के अपराधी हैं, और ऐसे लोग, अभी ये कोई छोटी मोटी घटनाएं तो नहीं हो सकती। अगर ये छोटी मोटी घटनाएं हैं तो निश्चित तौर से मैं तो ये कहूंगा राजनीतिक दलों से कि वो कानून में परिवर्तन कराएं और इन सबको IPC और CPC की धाराओं में एकदम छूट दिलवा दें कि राजनेताओं के ऊपर कोई अपराध ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो उनको क्लीन चिट देने की बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहना है आपका। लेकिन संजय जी, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो काफ़ी ज़्यादा दबंग एरिया कहा जाता रहा है, पूर्वांचल की खास करके अगर हम बात कर लें। आज से अगर 20-25 साल अगर हम पहले जाएं तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के मामले देखे गए थे, जब जो लोग वहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर में रहे हैं
पैसे के बलबूते इलेक्शन लड़ा करते थे। उसके बाद में अब जब रिपोर्ट सामने आ रही है 2022 में, तो भी एडीआर की रिपोर्ट वही कह रही है जो कि आज से 20-25 साल पहले स्थिति थी। यानी कि राजनीतिक पार्टियां कितने भी बदलाव की बात कर लें, ये लेकिन जमीनी हकीकत तो वही है। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जमीनी हकीकत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि स्थिति खराब हुई। मैं एक आपको आंकड़ा देना चाहूंगा, 2017 और 2022 के बीच में अगर हम देखें तो 8% जो है वो दागी छपके प्रत्याशियों में बढ़ोतरी हुई है, इसी तरह से धनबल में बढ़ोतरी हुई है, और 17 से लेकर 22 के अगर हम चुनाव में जो लोग जीत के आए हैं उसमें अगर हम प्रतिशत देखें तो ये एक जिसको कहा जाए जिस तेजी से प्रतिशत बढ़ रहा है, हमें लगता है कि हर मतदाता की ये चिंता का विषय होना चाहिए, हर संवेदनशील व्यक्ति का ये विषय होना चाहिए कि आखिरकार हम किस तरह की लोकसभा में किस तरह के विधानसभा में अपने साथियों को देख रहे हैं, हम राजनीति में किस तरह के लोग जीत के आएंगे, कैसे हम एक अच्छे कानून और अच्छे गुड गवर्नेंस की बात करेंगे जब इस तरह से लोग जीत के आएंगे। राजनीति में अब कई बार ये होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं, वो विरोधी दल था, उसने हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा दिया, इन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा दिया, लेकिन ये सब चीजें तो बहुत ही एक अलग तरह के खोखले बहाने हैं। लेकिन हकीकत तो यह है ना कि उन्हीं लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग ही चुनाव को मैनेज कर सकते हैं, इसी तरह से प्रभाव कर सकते हैं, यही पूरी तरह से अपनी ताकत लगा के चुनाव जीत सकते हैं। राजनीतिक दल आखिरकार जिस तरह से प्रतिशत, मैं एक चुनाव सुधार के विद्यार्थी होने के नाते मैं तो अपील करूंगा सारे राजनीतिक दलों से और विनती भी करना चाहूंगा कि अगर आप में जरा भी आपके अंदर नैतिकता है तो क्यों नहीं इलेक्ट्रल रिफॉर्म का बिल लेके आते हैं हम, और भारत में एक नए चुनाव सुधार के बिल को पास कर रहे हैं, और पास करने के बाद जितनी ये सारी बातें उठती उन सारी बातों को उसमें समाहित करते हुए 2010 से इस देश में चुनाव सुधार का बिल धूल खा रहा है, कोई भी राजनीतिक दल उसमें रुचि नहीं दिखाई दे रही, लगातार जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कमजोर होती चली जा रही, इस देश में इलेक्ट्रल रिफॉर्म के बिल के आने की बहुत अधिक जरूरत है। लेकिन कानून बनाने के जिनको जिम्मेदारी दी गई है वही तो इसके लिए जिम्मेदार है ना, तो मुझे नहीं लगता है, या फिर इतने लंबे समय से हम देख रहे हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसको लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है, तो आगे भी ऐसी उम्मीद करना ये काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है जनता के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी। प्रमोद गोस्वामी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। प्रमोद जी बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। एडीआर की जो रिपोर्ट आई है मुझे लगता है कि आपने भी उसको देखा होगा, पढ़ा होगा कि एडीआर की रिपोर्ट क्या कहती है। पिछले अगर लोकसभा इलेक्शन की बात कर ले, विधानसभा इलेक्शन की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं ग्राफ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जब राजनीतिक पार्टियों से सवाल किए जाते हैं तो वो कहते हैं कि छोटे मोटे मामले दर्ज हैं और वो भी विपक्षी पार्टियों ने दर्ज कराए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? खाली अपने से अपने को बचाने की एक कोशिश है, लेकिन ये भी एक बात इको हो रही, आपकी आवाज इको हो रही है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आप अपनी बात पूरी कीजिए, हम तक आपकी आवाज पहुंच पा रही सर। अच्छा देखिए, दो चीजें हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है, और इसमें जो अभी हमारे प्रीवियस उन्होंने कहा कि उसमें कानून के दायरे में ला के इस ढंग से किया जाना चाहिए ताकि जो आपराधिक छवि के लोग हैं उनसे बचा जा सके। हालांकि इससे पहले भी ये बात आया, लेकिन वो कानून बना कि साहब अपराधी लोग जो हैं उनको वो टिकट चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन उस पर फिर वो पेच आ गया कि साहब जिसको सजा नहीं हुई भी तो मामला मुकदमा चल रहा है। अब मुकदमा तो चलता है पीढ़ियों तक, कम से कम 50 वर्ष चलता है, 20 वर्ष चलता है, तो वो लोग उसका लाभ लेके। मैं आपको एक खाली एक एग्जाम्पल दे दूं कि फरुखाबाद में जो भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, मंत्री रहे हैं, ब्रह्मदत्त द्विवेदी, उनके हत्या के मामले में नीचे के कोर्ट से उसको सजा हो गई, वो हाई कोर्ट में उसने अपील कर दी, उन्होंने कहा अभी तो हमारा विचाराधीन है, और वो चुनाव लड़े और वो चुनाव जीता भी, आजीवन कारावास हो गई थी, जब हाई कोर्ट से आजीवन कारावास हो गई तो अब उसको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं हुई है, वो नहीं लड़ा, वो अलग बात है। ये जब तक, और दूसरी एक पक्ष ये भी है कि बहुत से आंदोलन हैं, बहुत से धरने प्रदर्शन हैं, या अभी ले लीजिए जैसे कि अभी अगर आप देखें तो इसमें जो जिस समय ईवीएम का ये मामला इस चुनाव में ही उठा और उसमें समाजवादी पार्टी ने कहा कि साहब वहाँ देखिए उनको, गाड़ियों को चेक करिए कि ऐसा तो नहीं कि ईवीएम शिफ्ट हो रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, तो वहाँ समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहाँ पर गाड़ियों को चेक किया तो प्रशासन ने उसको गलत मांगा और लोगों के खिलाफ़ FIR दर्ज हैं।
तो अब ये देखने की बात है, ये एक कानून बना के इस पर एक राजनीतिक दलों को चिंतन करना चाहिए कि इस परिधि में जो भी आएगा, जो ऐसे, लेकिन आप उसकी आड़ में जो जो जघन्य अपराधों के भी दोषी हैं वो भी उसका लाभ ले लेते हैं और उनको उस पर कहीं आपत्ति नहीं उठती है, चाहे कि वो राजनीतिक दल अगर कोई भी हो तो वो फिर उस पर चुनाव भाषणों में तो ये कहता है कि अपराधी। अब आप देखिए जो एडीआर की रिपोर्ट आई है उसमें लगभग 51% जो है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, 51% दिया हुआ कि 50% जो है वो लगभग आपराधिक छब के हैं, जिनमें हत्याओं के भी हैं और बड़े अपराध भी हैं और छोटे अपराध भी हैं, लेकिन उन पर मुकदमे दर्ज हैं। तो आप बताइए जिस विधानसभा में 50% जिन पर मुकदमे होंगे, वो चाहे मतलब संगीन मुकदमे हों या न संगीन मुकदमे हों, लेकिन उनके ऊपर आपराधिक धाराएं लगी हुई हैं, तो अगर ये आपराधिक धाराएं, कुछ ऐसा भी, ये बात भी सच है, इससे भी आप इनकार मंदित भी नहीं कर सकती हैं कि राजनीतिक दल विद्वेष में भी इस ढंग की धाराएं लगवा देते हैं ताकि उनकी जमानत, उनका पर्पस होता है कि जमानत ना हो, लेकिन वो एक उसमें दांवपेच होते हैं। तो इन चीज़ों से एक सारे दलों को बैठ के इस पर, क्योंकि इससे लोकतंत्र कमजोर होता है, इसमें उन लोगों की आमद हो जाती है जो इसके लिए डिजर्व नहीं करते हैं, तो वो जब तक राजनीतिक सब लोग दल मिलकर ये चिंतन नहीं करेंगे, इस पर एक कानून नहीं बनाएंगे, वो चाहे किसी भी दल के लिए हो, इस ढंग की धाराएं, मान लीजिए जैसे यही हुआ, एक पार्टी ने आह्वान किया कि नहीं साहब उन गाड़ियों को चेक करिए, उनने गाड़ियों को चेक भी, तो अभी शिकायतें आई हैं कि सहारनपुर में कई लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। अब वो मतलब कोई आप उस ढंग के नहीं है, लेकिन ड्राफ्ट कैसे बनकर तैयार हो ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। आप देखिए कि आरोपी से दोषी बनने तक का सफर बहुत ज्यादा लंबा होता है, और उसके बाद में अगर आरोपी होने पर ही किसी को टिकट नहीं मिलता है तो फिर तो कई सारे ऐसे भी छोटे मोटे अपराध होते हैं, और कई बार तो झूठे भी मामले दर्ज कर लिए जाते हैं, तो ऐसे में ड्राफ्ट कैसे बनकर तैयार हो ये भी एक बड़ा सवाल है सर। नहीं, इसमें तो जो विधवेता हैं वो बैठे हैं, राजनीतिक दलों के बैठे, जैसे मैंने अभी अमनदीप जी आपको एक एग्जाम्पल इसी अभी एक 15 दिन पहले का दिया, ज़्यादा दूर मत जाइए आप, अभी मतलब ये अभी एक हमारे अभी हमारे यहाँ रिपोर्ट आई कि उसमें सहारनपुर पे कई लोगों के खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज किए गए, और वो ईवीएम को वो चेक करने के लिए जो गाड़ियां सरकारी जा रही होंगी उनको उन्होंने रोका होगा, ये भी हो सकता है कि उन्होंने हल्ला गुल्ला किया हो या उसमें जबरन घुसने की कोशिश की हो, ये हो सकता है, ये तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन एक जो आई है तो उसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ, अब सवाल ये उठेगा कि क्या वो मुकदमे का वांछित अगर चुनाव लड़ता है अगले चुनाव में 24 के लोकसभा चुनाव में भी, अगर उसमें से कोई कार्यकर्ता जिसके ऊपर ये धाराएं लगी हैं तो क्या वो चुनाव लड़ने के लिए वांछित है अथवा नहीं है, तो ये चीज़ें अच्छा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, और इसमें मतलब जो बनाया भी गया इससे पहले वो कंप्लीट नहीं था, उन्हें सिद्ध हो जाए नहीं लड़ेगा, अब लोअर कोर्ट से अपराध सिद्ध हो गया, अब वो बेल पे आ गया और वो हाई कोर्ट से, उसने उन्हें कहा अभी तो हमारा विचाराधीन है, तो अब ये एक क्ल्यू रह गया, अब उसमें उसने एडवांटेज ले लिया कि नहीं साहब अभी हम पे सजा का हुई, तो लोअर कोर्ट ने सजा की है, अभी तो हमने अपील कर दी है, तो ये बहुत से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मामले हैं कि जिसमें विधि से जुड़े लोगों को, जो विधिवेत्ता हैं उन लोगों के, इसमें कहीं ऐसे अवांछित लोगों को न टिकट दे, राजनीतिक दल दे पाए और न वो चुनाव लड़ पाए। ठीक है, मैं वापस लौटूंगी प्रमोद जी आपके पास पे, लेकिन संजय जी से पहले जान लेते हैं। संजय जी, आपराधिक छवि वाले नेताओं का तो यहाँ पर आपने विस्तार से जिक्र किया, लेकिन करोड़पति नेताओं के बारे में भी जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिएगा, धनबल और बाहुबल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए अहम पहलू हैं, और अगर आप देखें तो लगातार प्रत्येक चुनाव में हम कहें कि औसत संपत्ति में बढ़ोतरी हो रही है। हम यहाँ पर आपका वो ध्यान दिलाना चाहेंगे कि चुनाव के दौरान हमने एक रिपोर्ट जारी की थी, अगर आपका उसकी तरफ ध्यान गया हो, कि माननीय विधायकों की संपत्ति कितनी गुना बढ़ गई। हाँ। तो कई कई जगह पे तो ये हालत था कि 1000 गुने से ज्यादा बढ़ गई। तो ये जो संपत्ति बढ़ने का और राजनीति में लोग जाके, और आश्चर्य की बात है, एक दो जगह तो हम लोगों को ऐसे एफिडेविट भी मिले कि उसमें लोगों ने पैसे के रूप में लिखा कि बिजनेस, तो अब राजनीति को लोग अगर व्यापार मान रहे हैं और व्यापार की तरह से कर रहे हैं और अपना धंधा बढ़ा रहे हैं, और फिर इसके तरह से तो राजनीति में बहुसंख्यक लोग उसी तरह से आके अपने संपत्ति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए धनबलीय आज आप देखिए किसी भी पार्टी में
जो बहुत ही ग्रास रूट का कार्यकर्ता है, बहुत समर्पित कार्यकर्ता है, लेकिन उसको टिकट नहीं मिलेगा। टिकट किसको मिलेगा? जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जिसके पास में साधन संपन्न होंगे, लोग कहेंगे ये चुनाव मैनेज कर सकेगा चाहे। तो ये एक तबका जो ईमानदार है और राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ जीवन भर पार्टी के साथ जुड़ा रहा, आज वो सब हाशिए पे हैं। नए लोग आते हैं जो जिताऊ कैंडिडेट होते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद में वो फिर अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। तो राजनीति में धनबल का प्रयोग बहुत बढ़ रहा है। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कि जिनकी 250 करोड़, 150 करोड़, 100 करोड़ औसत संपत्ति अगर हम देखें तो 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति आई है। 90% से अलग अधिक लोग ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, जो राजनीतिक प्रक्रिया के हिस्सा हैं, जो चुनाव जीत कर आए हैं। तो निश्चित तौर से ये धनबल और बाहुबल दोनों हमारी एक चिंता का विषय है। आखिरकार अगर इस पे लगाम नहीं लगेगी तो निश्चित तौर से हम जितनी भी ये चुनाव सुधार और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, एक अच्छे गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, कैसे संभव हो सकेगा। ADR इस पूरी मुहिम को लगातार आगे बढ़ा रहा है, हर जगह लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा है, अपना रिसर्च भी दे रहे हैं, ग्रास रूट पे भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सफलता हमें उतनी नहीं मिल पा रही जितनी मिलनी चाहिए। वाकई में संजय जी, हमने देखा कि इलेक्शन से पहले कई सारी ADR की रिपोर्ट सामने आई थी कि कितने प्रत्याशी आपराधिक है जिनको टिकट दिया गया। अब ये देखिए, ये तो विधायकों की लिस्ट है जो आपने हाल ही में जिक्र किया, इससे पहले भी तो कई सारी लिस्ट आप लोग जारी कर चुके हैं कि कितने करोड़ की संपत्ति है, कितनी संपत्ति बड़ी है इन 5 सालों में, लेकिन उसके बावजूद भी जनता पर उतना ज्यादा असर नहीं देखा जा रहा। अगर परिणाम उठाकर देखे जाए तो मुझे उसको देखकर लगता ही नहीं है कि ADR की रिपोर्ट का कुछ प्रभाव भी पड़ा। इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? क्या जागरूकता की कमी है या फिर उन मतदाताओं तक आप अपनी रिपोर्ट नहीं पहुंचा पाए? देखिएगा, मैं आपको कहूंगा कि ये एक तरह से मैं इस बात से इससे सहमत हूं कि कई जगह पे जहां हम लोगों ने कैंपेन किया, बहुत बड़े बड़े धनबली और बाहुबली चुनाव हार गए। हम ये कह सकते हैं कि ये इतनी व्यवस्था, जिसको कहा जाए कि समाज में जब इस तरह से पूरा एक तंत्र ही अलग सोच पे चला गया हो और उसमें एक ADR जैसा संगठन इतने बड़े राष्ट्र में और इतने बड़े देश की आबादी और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की अगर हम बात करें तो 25 करोड़ की आबादी के इस प्रदेश में हम लोगों ने जो कोशिश की, कई जगह विधानसभाएं ऐसी हैं कि जहां हमारे कैंपेन की वजह से कई लोगों को हारना पड़ा, उनके सापेक्ष उनसे ईमानदार लोग चुनाव जीते। ADR की ये कह सकते हैं कि इस मुहिम को अभी पूरी तरह से परवान चढ़ने में समय लगेगा, लेकिन हम लोग बहुत शिद्दत के साथ इसको आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि हमारा जो ये सोच है और जो हमारी मान्यता है कि राजनीति में अच्छे लोग आए, सच्चे को चुने, अच्छे को चुने, ये साकार होगी और हम जनता के बीच में ले जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये एक संक्रमण काल है, संक्रमण काल के बाद भी परिस्थितियां बदलेंगी। ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम है संजय जी, हम आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं ताकि ये जो मुहिम है इसको आप और आगे बढ़ाएं और जन जन तक आपकी अपनी जो आवाज है और जो रिसर्च आप लोग लगातार कर रहे हैं वो पहुंचाए। प्रमोद जी, आपका रुख करूंगी, इससे पहले आप जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि कई सारे लूपहोल्स हैं इसको लेकर, कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि कई साल लग जाते हैं, तब तक तो कई बार हम देखते हैं कि विधायक बनकर दूसरी बार विधानसभा चुनाव भी हार चुके होते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, इसमें इस बात को लेके चीफ जस्टिस भी चिंता व्यक्त कर चुके हैं और वो बराबर ये डायरेक्शंस भी दे रहे हैं लोअर कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स को, कि जो पेंडेंसी है उसको तत्काल ठीक करें, उसको दूर करें। और उसके एक पक्ष नहीं, कई पक्ष है, जजेस की कमी है, ये भी हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा है कि जजेस की भर्ती करिए। तो वो एक जगह से नहीं है, ये जब तक पूरा सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा तब तक ना तो न्यायिक प्रक्रिया सही हो सकती है, ना चुनावी प्रक्रिया सही हो सकती है, ना और कोई प्रक्रियाएं सही हो सकती हैं। उसमें खाली आप अगर उसको एक किसी चीज़ को ठीक करना चाहें और हम अगर ठीक न करना चाहें, जो संजय जी ठीक करना न करना चाहें, तो आप कितना ठीक कर पाएंगे? कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ियाँ बनी रहेंगी। अभी जो संजय जी ने कहा वही, उस बात पर मैं ज़रूर हमारे मन में है, उस पर एक अपना विचार रखना चाहूँगा। एक तो जी ने कहा कि जो करोड़पति वाला मामला है, देखिए ये एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि धनबल और बाहुबल ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया है, प्रभावित कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो ऐसे लोग हैं, जो संजय जी की चिंता है कि जो ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा से जुड़े हों या जो कम से कम नैतिक रूप से ईमानदार हो, मूल्यों के प्रति हों, उन वो लोग चुनाव आज के समय में लड़ ही नहीं सकते हैं। आज चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए,
तो वो आज अमनदीप जी आपसे कहे, आपको अगर टिकट दे दिया जाए, अगर पार्टी उसमें मदद ना करे या मुझे दे दिया जाए, क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं? कतई नहीं लड़ पाएंगे, आपकी जमानत चली जाएगी, हमारी जमानत चली जाएगी, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं होंगे, हम चार गाड़ी नहीं लगा सकते और उनके 50 गाड़ियां। तो जो धनबल और बाहुबल, पहले असल में दिक्कत ये हुआ कि पहले मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पहले वहाँ पर होता था कि राजनीतिक चुनाव लड़ते थे विधायक या सांसद, वो इन अपराधियों का सहारा लेते थे। जब अपराधियों ने देखा कि अरे ये तो मतलब हमारे बूते में जीत रहे हैं तो हम क्यों ना लड़ें, तो उनको किनारे कर दिया और अपराधी सामने आ गए। तो वो एक चिंता का विषय, और वो उसकी वजह से उस समय किसी ने इनिशियल स्टेज पर उस पर ना तो सामाजिक रूप से न राजनीतिक रूप से इसकी आलोचना नहीं हुई, उसको बढ़ावा मिला। अब दूसरी बात, जो धनबल की बात कह रहे हैं आप देखिए कि मायावती जी, ये मतलब कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारे अखबारों में रहा है आज से नहीं शुरू से के साहब वो करोड़ों रुपए लेकर टिकट देती है। हाँ। फिर जब ये सवाल उनसे पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मैं धन्ना सेठों से पैसे नहीं लेती हूँ, मैं तो चूंकि अपने कार्यकर्ताओं से लेती हूँ, लेकिन वो जो प्रत्याशियों से जो टिकट बेचे जाते हैं, बसपा का एक ही विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचा है, उस पर भी आपराधिक मामले भी दर्ज है, साथ ही करोड़पति भी है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ आपसे, यही बात मेरा कहना का ये कि जब टिकट बिकेगी, जब वो उसको टिकट खरीदा जाएगा, तो समाज सेवा तो नहीं हो सकती। हाँ। फिर तो उसमें भ्रष्टाचार होगा, बेईमानी होगी, उससे आप समाज सेवा की अपेक्षा कैसे करेंगे? जब हम अगर हम 5 करोड़ रुपया दे के टिकट खरीदेंगे, तो फिर आप मुझे बताइए कि कैसे क्या अपेक्षा करेंगे कि हम जनसेवा। हाल ही में एक रिचेस्ट पार्टी की रिपोर्ट भी सार्वजनिक हुई थी, मुझे लगता है सर आपने भी देखी होगी, उसमें सबसे ऊपर नाम बीजेपी का था, दूसरे नंबर पर बीएसपी थी। अब देखिए, अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक क्षेत्रीय पार्टी सभी और सभी अमीर पार्टियों में दूसरे नंबर पर है, और साथ ही अंदरूनी खाने से तो ये भी जानकारियां निकल कर सामने आई थी कि बसपा की टिकट सबसे ज्यादा महंगी बेची गई है। देखिए, ये एक बहुत गंभीर विषय है और एक बड़ी समस्या है, तो सर क्या समाधान आप इस पर देखते हैं? एक आखिरी सवाल मैं चाहूंगी, बहुत संक्षिप्त में आप जवाब दीजिएगा सर। जी, देखिए, इसमें अमनदीप जी, इसका समस्या का समाधान तब तक संभव जो नहीं है कि जब तक राजनीतिक दल इस पर चिंता नहीं करेंगे कि हमको स्वच्छ व्यवस्था चाहिए। अब आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की, मूल्यों की, नैतिकता की बात है। अब जो ADR की रिपोर्ट आई है, उसमें उनके प्रत्याशी भी या जीते हुए भी या हारे हुए भी, उनके ऊपर भी आपराधिक मुकदमे और करोड़पति भी हैं, तो फिर ये कौन ठीक करेगा इस पे? तो मतलब हम खाली बात करने से नहीं होगा, उसको अमन में लाना भी होगा, जो आपने कही। दूसरी एक बात मैं ये कहूँगा, जो करोड़पति की बात हो गई है, उसमें राजनीतिक दलों को चाहिए या जो भी सरकार हो उसको चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आया, कैसे इनके पास इकट्ठा हुआ, उसकी वो जांच कराएं। और जांच में अगर वो इनकम टैक्स देते हैं, अगर वो सारे टैक्सेस भरते हैं, तो जस्टिफाइड है, ठीक है, लेकिन वो नहीं होता, राजनीतिक दलों पर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि लोकसभा जब इलेक्शन हुए थे, सांसद साध्वी प्रज्ञा को लेकर जब सवाल खड़े हुए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरे ऊपर भी कई सारे आपराधिक मामले दर्ज है, तो ऐसे में कैसे ये संभव हो पाएगा? संजय जी, आप इसका क्या समाधान देखते हैं? एक अलग से लोग चर्चा के, ये तो हम आंदोलनकारी हैं, आंदोलन कर रहे थे, जनता के सवालों को लिए लड़ रहे थे, इसलिए मुकदमा लिख गया। मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक दलों को फिर क्या है कि कानून में परिवर्तन कराना चाहिए कि भाई इस तरह के मुकदमे उनको नहीं माना जाए। अब अपराध तो वही है ना, संविधान में तो सब उसी तरह से वही दफाएं हैं, उन्हीं दफाओं में केस दर्ज होंगे। तो मैं इन सारी बातों के लब्बो लबाब में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, हम प्रमोद जी से अपने को संबद्ध करते हुए, कि जब तक राजनीतिक दलों की चिंता का विषय नहीं होगा और जब तक वो दिल से इसको स्वीकार नहीं करेंगे और उनके मन में एक विचार नहीं आएगा कि हम कैसे भी करके एक चुनाव सुधार का बिल लाएंगे और इस तरह की चीजें सारे प्रबंधन डालेंगे, जिसमें चाहे वो स्टेट फंडिंग हो, जब तक ये अब बहस आ गई है कि जब तक लोग अपने खुद के पैसे चुनाव की परिधि से कितना ज्यादा लोग अधिक खर्च करते हैं चुनाव सीमा से, फिर भी उसके बाद में लोगों का सबसे कम खर्चा दिखाई देता है, तो ये जो
कई तरह के सुधार की जरूरत है। मैं समझता हूं समय कम है, आपकी चर्चा, आपका जनतंत्र टीवी इतनी महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा है, इसके लिए जनतंत्र टीवी को आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक भारत में चुनाव सुधार बिल पास नहीं होगा, तब तक ये टुकड़े टुकड़े में किया गया प्रयास सार्थक नहीं होगा। इसके लिए हम सब एडीआर की तरफ से भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, आप सब और हम सब प्रयास करें कि भारत में एक नए तरह का चुनाव सुधार का बिल आए और भारत में राजनीतिक स्वच्छता की बात ठीक है। बाकी में सभी को प्रयास करने की यहाँ पर जरूरत है। प्रमोद जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं आपने जो प्रधानमंत्री की बात कही, उस देखिए उसको प्रधानमंत्री को या जैसे कि मुलायम सिंह जी हों या और बड़े नेता हों, इन लोगों पर जो धरने प्रदर्शन के मुकदमे दर्ज हैं, ये उनके इन लोगों के ऊपर कोई आपराधिक हत्या का, हत्या के प्रयास का, लूट का, डकैती का, ये अपराध ये मामले दर्ज नहीं है। इनके ऊपर तो 144 का विरोध का उल्लंघन उसके मुकदमे है, या मान लीजिए कार्यकर्ताओं ने साध्वी प्रज्ञा पर तो आतंकवाद का मुकदमा दर्ज था, उसके बाद में तुलना देखिए ना कहां पर जाकर की गई। हाँ हाँ वो नहीं नहीं हाँ वो तुलना गलत थी। मैं उस तुलना का पक्षधर नहीं हूँ या उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने कहा कि मुझ पर भी मुकदमे रहे, उन मुकदमों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि उनके मुकदमे अलग हैं, इनके ऊपर तो आतंकवाद या उसके आतंकवादी घटना का मुकदमा दर्ज हुआ था। अब ये भी जब वो छूट गई तो अब देखिए बताइए क्या विडम्बना है आप बता, और कितना हास्यास्पद है कि उसके बाद वो आरोप मुक्त हुई और उन पर कितना बड़ा अपराध का मुकदमा लगा। तो अब मतलब इसके क्या मायने हैं, जिन्हें लगाया तो या तो वो गलत है, फिर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि गलत, अगर वो मान लीजिए मैं निर्दोष हूँ और मैंने ये साबित कर दिया तथ्यों के आधार पर कि मैं निर्दोष हूँ, तो जिसने मुकदमा लगवाया, जिस थानेदार ने लगाया, जिस कप्तान ने लगाया, जिस DIG ने लगवाया, जिस सरकार ने लगवाया, वो एक्सपोज होना चाहिए कि साहब ये देखिए हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ किया, हमको बेइज्जत किया, हमारी मान हानि हुई और ये सब हम निर्दोष साबित हुए, तो वो नहीं होता है। उसके बाद उसको मतलब उस पर मुकदमा लगा था, बाद का उसके बाद वो बरी हो गए। बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, एक आरोपी से दोषी बनने तक का जो सफर है ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, और सबसे बड़ा जो मेजर इशू है वो यही है। आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए सर बहुत शुक्रिया। तो ADR वक्त वक्त पर अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करता रहा है, लेकिन अब इसका जनता पर किसी तरह का ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नहीं देखा जा रहा है। हालांकि चुनाव बिल में सुधार करने की बात कही जा रही है, लेकिन देखना यह अहम होगा कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से क्या कोशिश की जाती है या फिर नहीं। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए जनतंत्र TV। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड press the bell icon, never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।